हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे सीट इन नीट एजुकेशनल चैनल पर। तो हम लोग बायोटॉपिक्स टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, जिसका ये तीसरा वीडियो है। और हम लोग 2020 एंड ऑनवर्ड एग्ज़ाम में 83 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके 83 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या सही होंगे उनके वेरी गुड, और जिसके नहीं सही हो रहे हैं टेस्ट सीरीज कहीं दे रहे हैं तो वो 83 क्वेश्चन सही करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे, अब 21 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मॉर्गन वर्कड विद द, मॉर्गन ने किस पे काम किया था? तो वो टिनी फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे काम किया था। ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दी सिंड्रोम इन हुईच दी अफेक्ट इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टार्टेड विथ स्मॉल राउंड हेड फारो टंग, टंग फटी हुई एंड पार्सली ओपन माउथ, पाल्म इज ब्रॉड विथ करेक्टरिस्टिक पाम क्रिएज, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्ड होना चाहिए रिटार्ड। तो सिंड्रोम हमको बताना, तो इसका फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम, सेकंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड सी डाउन सिंड्रोम, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो होती है एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता है, 21 नंबर पे, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइसोमिया 21। इसको डिस्क्राइब किए थे लंडन डाउन 1866 में, इसमें सब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फीमेल इज हेटरोगैमिटी इन, फीमेल किसमें डिसिमिलर क्रोमोसोम नंबर होता है? तो इसमें बर्ड में होती है, बर्ड में जो होता है इसमें मेल जो होते हैं डिसिमिलर क्रोमोसोम नंबर होता है, और मेल के सिमिलर नंबर क्रोमोसोम जेड जेड होते हैं, और ये है जेड जेड, ये हो जाएगा मेल, और फीमेल के जेड डब्लू, ये हो जाएगा फीमेल में। तो सिमिलर हो जाएगा मेल में, डिसिमिलर हो जाएगा फीमेल में। तो पूछ रहा है हेटरोगैमिटी, तो हेटरोगैमिटी देखो जेड डब्लू है, होमोगैमिटी ये है, हेटरोगैमिटी ये है, तो बर्ड में ऐसे होता है, फीमेल बर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेक्स ऑफ द चिक्स डिटरमाइंड बाय, तो चूजों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो चूजों में जो होता है फीमेल जो होती है जेड डब्लू होती है, तो यही निर्धारण करेगा, तो इसमें ओबम निर्धारण करता है, क्योंकि फीमेल में ओबम ही निकलता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, म्यूटेशन अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज नोन एंड, डीएनए में सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ड्यू टू, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसके कारण होता है? तो इसमें डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, डीएनए के बेस पेयर में क्या होता है, या निकलना या आलना, डिलीशन या इंसर्शन बेस पेयर ऑफ डीएनए, उसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखो बी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूशन दिया है, सी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूशन एंड इंसर्शन दिया, तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, डिलीशन एंड इंसर्शन होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन नहीं है? तो इसमें जो है ये डाउन सिंड्रोम जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट पूछ रहा है, इसका एग्जांपल होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव जो होते हैं सिकल सेल एनीमिया है, और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के रिस्पेक्ट में करेक्ट पूछ रहा है क्या होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है गलत क्या है। तो ड्रोसोफिला ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दे कुड बी ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, सिंथेटिक मीडियम ऑन लेबोरेटरी सिंपल में। बी ऑप्शन, दी कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन अबाउट टू वीक्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं, कौन, ड्रोसोफिला। सी ऑप्शन, ये सिंगल मेटिंग से प्रोड्यूस करती हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी। तो ये सब सही दिख रहा, तभी तो हम लोग इसकी स्टडी में लेते हैं ये ड्रोसोफिला को, क्योंकि ये सुटेबल होती हैं स्टूडाइज के लिए, क्योंकि सिंपल सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी में ग्रो कर जाती हैं, और ये सिंगल मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी देती हैं, और मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इसको इजीली डिस्टिंग्विजिबल कर सकते हैं कि कौन फीमेल है कौन मेल है, और इसको लो पावर माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम इलांगेटेड इन स्टेटेड ऑफ बाइकॉनकेव डिस्क लाइक ड्यू टू, इसका हिंदी देख लेते हैं, उत्परिवर्तन से हीमोग्लोबिन अणु का डिस्क संरचना से लंबा हो जाना कहलाता है, क्या, लो ऑक्सीजन टेंशन कहता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल साइप हो जाती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।